परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 100 पद संख्या 4 में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके निकटता में आते हैं, ताकि हम एक मन एक चित होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमेन। आप सभी को यीशु सहाय। और आज हम लोग फिर से तीसरे दिन में आ पहुँचे हैं, और तीसरे दिन में हमारे लिए विषय है कि मेल बलि क्या है। मेल बलि क्या है, किस समय चढ़ाया जाता था, वर्तमान समय में हम किस प्रकार से हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। और पूरे सप्ताह के लिए जो मूल विषय है वह यही है कि दाऊद ने जो बलिदान अर्पण किया, उसके विषय में हमें मिलता है दूसरा सामुएल उसका
24 और 25 पद में, दूसरा सामुएल 24 अध्याय 25 पद में, कि और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। प्रार्थना करें, दयालु जीवित पिता, हम आज के दिन में उन बलिदानों में से हम मेल बलि की बातों को जानना और समझना चाहते हैं। तो ही आत्मिक अगुवाई हमें प्रदान कर, और आज की इस आराधना में हम तेरे दास दासी होकर, प्रियजन होकर, विभिन्न स्थानों से, पेरिसों से, मंडलियों से जब जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में तो ऐसी आशीष अनुग्रह की दृष्टि दे, बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे कि हम प्रत्येक बातों को वचनों के द्वारा से जो हमें दिया जाएगा हम भली भांति समझने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और आज हम लोग मेल बलि के विषय जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बीते कल में हमने क्या सुना था? होम बलि के विषय सुना था कि कैसे होता था, पुराने नियम से कैसे उसे चढ़ाया जाता था। वह एक आरंभ के समय से चलाने वाली बलि हम, या बलिदान हम कह सकते हैं। तो मेल बलि की जब बात आती है तो जो यरूशलेम मंदिर में बाहर की वेदी थी उसमें होम बलि और मेल बलि दोनों अर्पण किया जाता था, उससे उसमें दोनों अर्पण किया जाता था, क्योंकि उसमें लहू बहाने की प्रथा थी, पशुओं को अर्पण करने की प्रथा थी। लेकिन जब हम होम बलि से अलग मेल बलि की बात करते हैं तो मेल बलि जो है वह एक सहभागिता का बलिदान है, एक सहभागिता का बलिदान है, वह एक शांति को स्थापित करने का बलिदान है। मेल बलि इसका अर्थ क्या हुआ? मेल मिलाप करने का बलिदान, कि हम उसमें मेल कर रहे हैं, हम उसमें सहभागी हो रहे हैं और उसके द्वारा से मनुष्य के जीवन में शांति स्थापित हो रही है। तो हमारे लिए यही आज के दिन का सवाल है कि वह क्या है और हम उसे वर्तमान समय में कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो मेल बलि जो है वह जो था वह एक मनुष्य का व्यवहार था, वह मनुष्य का एक व्यवहार था कि जब पशु का बलिदान दे दिया जाता था, बलिदान करने के बाद, बलिदान के बाद जो भोज होता था उसका सबसे अधिक महत्व उस भोज में प्रकट होता था, उस भोज में बलिदान के बाद जो भोज होता था उसमें प्रकट होता था। तो मेल बलि की विधि में जो लहू की धार्मिकता की बात हम करते थे तो उस क्रिया में क्या होता था? याजक को उसका भाग मिलता था और याजक को, परमेश्वर को उसका भाग देने के बाद जो उस बलिदान को चढ़ाने वाले थे, जो आराधक थे, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, गरीब जनों के साथ और आवश्यकता में पीड़ित लोगों के साथ पशु के बचे हुए भाग को भोज के रूप में आनंद के साथ खाते थे। तो वहां क्या है? मेल की बात आती थी, शांति की बात आती थी और सहभागिता की बात भी आती थी। तो मेल बलि के विषय में लेव व्यवस्था की पुस्तक उसके 7वें अध्याय 11 पद से 18 पद में हम पाते हैं, मेल बलि के विषय लेव व्यवस्था 7 अध्याय 11 से 18 पद, व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय उसका 7 पद और 12 पद में, और पहला सामुएल 9वां अध्याय 12 से लेकर 13 पद में हम मेल बलि की बातों को पाते हैं। इस मेल बलि को खमीरी हो या अखमीरी रोटी के साथ भी अर्पण किया जाता था और साथ ही साथ उसमें मैदे का भी होता था और अन्य रोटियां भी परमेश्वर के निकट अर्पण की जाती थी। तो उस रोटी को अर्पण, रोटी के साथ उस जानवर को अर्पण करने में भेंट को परमेश्वर, याचक और चढ़ाने वाला, परमेश्वर, याचक और चढ़ाने वाले के साथ वह क्या होता था? साझा होता था, उसमें बढ़ जाता था। जैसे जब हम बटने की बात करते हैं तो उस बटने में क्या है? रोटी में से भी
याजकों को मिलता था और बाकी क्या करते थे लोग जो थे वे आपस में बांटते थे, किन्हीं किन्हीं वस्तुओं को उसी दिन खाकर ख़त्म करना था, उसे सुबह तक नहीं बचाना था, और नियम और विधि के अनुसार दूसरे दिन भी खा सकते थे। ये सारी बातें जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आप खुद से उस वचन में पा सकते थे। तो परमेश्वर का जो भाग था उसे वे क्या करते थे, उन परमेश्वर का भाग था चर्बी और लहू, उसे वेदी पर जला दिया जाता था, उसे वेदी पर जला दिया जाता था। और जैसे हमने होम बलि में सुना तो क्या होता है, वह पूरा जल जाने के बाद वह धुआं परमेश्वर के निकट चला जाता था, उस बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता था। जब हम याजक की बात करते हैं तो याजक को छाती का हिस्सा और दाहिना पैर मिलता था। छाती का हिस्सा उसे हिलाए गए भेंट के रूप में मिलता था, और जो दाहिना पैर जो है वह उठाया हुआ भेंट के रूप में, ऊंचा उठाया हुआ भेंट के रूप में याजक को प्राप्त होता था। और बाकी जो हिस्सा बच जाता था वह जो चढ़ाने वाला था उसे प्राप्त होता था। तो इन सारी बातों में सबसे विशेष बात यही है कि अर्पण जो करने वाला था, जो अर्पण करने वाला था उसकी इच्छा, उसकी नम्रता या विनम्रता और उसका लक्ष्य उसमें क्या है, उस पर लोग या परमेश्वर विशेष ध्यान देते हैं कि उस मेल बलि के बलिदान में अर्पण करने वाले, चढ़ाने वाले, उस बलिदान को अर्पण करने वाले की इच्छा क्या है, वह कितना नम्र है, और उस चढ़ाने के द्वारा से जो लक्ष्य निर्धारित है कि लोगों से के साथ शांति मेल मिलाप की बातें आएगी वह पूरा हो रहा है या नहीं है। तो सबसे मेल मिलाप और शांति की बात, तो उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है जब हम बातों को देखते हैं तो तीन बातें आती हैं कि वह क्या है, एक स्तुति का बलिदान या भेंट है कि उसके जीवन से परमेश्वर की स्तुति हो रही है, और वह साथ ही साथ एक मन्नत के रूप में मांग रहा है कि उसके जीवन में जो भी बुराइयां हैं वह दूर होकर परमेश्वर के निकट उसे शांति मिले लोगों के बीच, लोगों के साथ रहने में। और वह बलिदान जो क्या है, वह स्वेच्छा का बलिदान है कि वह स्वयं की इच्छा से परमेश्वर के निकट अर्पण कर रहा है। और मनुष्य और व्यक्ति का क्या प्रयास है कि उसका जो जीवन है शांति के साथ मनुष्यों के बीच में व्यतीत हो, उसका सच्चा इरादा, सच्ची निष्ठा को मेल बलि के रूप में परमेश्वर ग्रहण करता है। जब हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय जो है वह प्रभु यीशु ख्रिस्त से जुड़ा हुआ है कि उसने क्या किया, अपने बलिदान के द्वारा से परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया। और वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको नई आज्ञा के रूप में यही देता है कि यदि तुम शांति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, मेल मिलाप के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, सच्चा बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना है, परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और समझ के साथ प्रेम करना है, और दूसरी क्या है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। तो वहां क्या होता है, परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ हमारे जीवन के द्वारा से शांति की स्थापना होती है। और जब मेल भेंट का जो चढ़ाने वाले का भाग था वह क्या करता था, गरीबों के साथ, जिनके पास नहीं है उनके साथ वह साझा करता था, उनके साथ बैठकर उनके साथ वह भोजन करता था। इसका अर्थ क्या है कि हमें सबसे मेल मिलाप करते हुए हम जो अर्पण करना चाहते हैं, जो बहुमूल्य चीज परमेश्वर को अर्पण करते हैं, परमेश्वर का हिस्सा वह परमेश्वर ले लेता है, परंतु जो हमारे पास है उसे हम क्या करते हैं, हम दूसरों के साथ बांटते हैं और साझा करते हैं, जिससे मेल मिलाप की बात आती है, शांति की बात आती है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या कहता है कि इन छोटों में से जैसा व्यवहार तुम, छोटे से छोटों में से जैसा व्यवहार तुमने उसके साथ किया है, वह किसके साथ किया है, परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ भी किया है। तो मेल बलि में सबसे बड़ी और विशेष बात है उसके बाद का भोज महत्वपूर्ण है कि वह कैसे दूसरों के साथ मेल मिलाप के साथ शांति के साथ उस भोज को ग्रहण करता है,
तब जाकर परमेश्वर के निकट उसका बलि चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना सफल हो पाता है। तो हम भी अपने भेंटों को, अपने जीवन को, अपने आशीषों को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करते हुए उससे प्राप्त भी करें और उससे निरंतर मेल मिलाप के साथ हर एक लोगों के साथ साझा करें, तब हमारा, हमारी सच्ची भक्ति और सच्चा बलिदान परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य होगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले कल के दिन में हम फिर से एक दूसरे से मिलेंगे और उसमें हम लोग प्रार्थना से संबंधित बातों को सीखने और समझने पाएंगे कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर कैसी प्रार्थना को ग्रहण करता है, वचन हमें क्या सिखलाता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें क्या सिखलाता है, पवित्र आत्मा कैसे हमें प्रार्थना करने में अगुवाई करता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। दयालु जीवित पिता, वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं कि मेल मिलाप की सेवा जो तूने सौंपी है अपने पुत्र को, उसके द्वारा से तुझ परमेश्वर से उसने हमारा मेल मिलाप कर दिया अपने बलिदानों के द्वारा से। जब हम मेल बलि की बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, तो होने दे कि हमारे जीवन में हम उन बातों को स्थान दें जो एक दूसरे से बांटने की बात, एक दूसरे को अपने वस्तुओं में, अपने हर एक आशीषों में साझा करने की बात कौन लोग पाते हैं कि हमारा जीवन जब तुझ परमेश्वर के योग्य हम बलिदान चढ़ाना चाहते हैं तो हम अवश्य प्रथम उन लोगों से मेल मिलाप करें जिनसे हम दूर रहने का प्रयास करते हैं। हे पिता, फिर से इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, एक एक क्षणों को जो इस आराधना में हम सब एक साथ जुड़े हुए सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। मैं एडलिन बोर्ड राउरकेला पेरिश के सेक्टर 18 मंडली से हूँ। आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। केंद्रीय DCYM द्वारा संचालित 26 जुलाई से 1 अगस्त 2021 के लिए प्रार्थना श्रृंखला के लिए जो प्रार्थना निवेदन है वो है कोरोना के तीसरे लहर की रोकथाम के लिए। तो आइए, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन उपस्थित हैं, हम सब एक परिवार होकर परमेश्वर से विनती करने। हे सशक्तिमान पिता, इस समय हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबों को चुना है पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को जीवित रखा है पिता, कि आज के दिन हम इकट्ठा होकर आपके सामने विनती करते हैं पिता। हाँ पिता, आपकी नियमती में हमें बताया है पिता कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित होता हूँ, और हम सब इस समय जो ऑनलाइन उपस्थित हैं पिता अपने अपने घरों में, ये विश्वास के साथ विनती करते हैं पिता कि आप हम सबों के साथ उपस्थित हैं पिता। हाँ पिता, जिस तरह से इन दो सालों में हमने इस कोरोना महामारी को देखा है पिता, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रियजनों को खोया है पिता, अपने परिवारों को खोया है पिता। हाँ पिता, इसके बावजूद पिता बहुत सारे लोग हैं पिता जो आपसे उम्मीद करते हैं पिता कि आप हमें आगे आने वाले दिनों में बचाए रखेंगे पिता। हाँ पिता, हाँ पिता, हम नहीं जानते कि आपकी क्या योजनाएं हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं पिता। हाँ पिता, हम नहीं जानते, किंतु हाँ पिता, दूसरी आज्ञा के अनुसार जो आपने हमें बताया है कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखना पिता। हाँ पिता, उसी आज्ञा के अनुसार हम विनती करते हैं पिता, हमारे जितने भी प्रिय लोग हैं पिता, हमारे जितने भी परिवार हैं पिता, हाँ पिता, माता पिता, भाई बहन और जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों की रक्षा रखवाली के लिए हम विनती करते हैं पिता। हाँ पिता, जितने भी देश जो इस डेल्टा वेरिएंट के चपेट में आ चुके हैं, विनती करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता, हाँ, कि वो लोग इस संक्रमण से बचे रहने पाएँ और वो लोग हमारी या फिर किसी भी मौत का कारण ना बनने पाए पिता। हाँ पिता, इन संक्रमण से वो लोग बचे रहने पाए पिता। इस समय हम स्पेशली विनती करना चाहते हैं पिता भारत देश के लिए पिता, कि हम सारे लोगों की आप रक्षा रखवाली करें पिता। हाँ पिता, विशेष करके हम विनती करते हैं उन सभी डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, लैब टेक्नीशियंस के लिए पिता, जितने भी लोग जो इस बीमारी से ग्रसित लोगों की मदद करते हैं पिता, उनकी चिकित्सा के लिए अपने जीवन को लाते हैं पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पिता कि उन लोगों को, हाँ पिता, आप गाइड करें पिता। विनती करते हैं कि वो लोग इस तरह से काम करने पाएँ कि पूरे निस्वार्थ भाव से होने पाए। हाँ पिता, जितने भी हॉस्पिटल्स हो, जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हो, मेडिसिन स्टोर्स हो पिता, हाँ पिता, वहाँ पर किसी भी चीज़ों की कमी ना रहने पाए पिता।
साथ ही साथ हम विनती करते हैं पिता राष्ट्रीय स्तर से, राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के और जिला स्तर के जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी लोग हैं, अधिकारी हैं पिता, विनती करते हैं पिता उन लोगों के लिए पिता कि वो लोग अपने अपने जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से करने पाएँ और जन कल्याण के काम आने पाएँ पिता। हाँ पिता, विनती करते हैं पिता उन सभी लोगों के लिए जो इन 2 सालों में बहुत कुछ खोए हैं पिता। हाँ पिता, विशेष करके हम विनती करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिनको रोज़गार में आपत्ति हुई है पिता, जिनको अपने जीवन में मदद की आवश्यकता है पिता। विनती करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो बिजनेस में बहुत सारे लॉस को झेले हैं पिता, उन सभी के मन को हाँ पिता आप स्थिर करने पाएँ पिता। हाँ पिता, उन्हें सही गाइडेंस दें पिता ताकि वो लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएँ पिता। हाँ पिता, साथ ही साथ विनती करते जितने भी युवक गण और जितने भी छात्रों के लिए पिता, जो लोग एग्जाम्स के लिए हाँ पिता चिंतित हैं पिता, अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए चिंतित हैं पिता। हाँ पिता, विनती करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं पिता। साथ ही साथ हम विनती करते हैं पिता इस छोटा नागपुर डायसिस के जो बिशप हैं पिता उनके लिए और जितने भी पुरोहितों के लिए, प्रचारकों के लिए, डीकनों के लिए और जितने भी अधिकारी और विश्वासियों के लिए पिता, विनती करते हैं पिता कि जो लोग अपने कलीसिया के काम में आगे आते हैं पिता, उन सभी लोगों के साथ रहे ताकि वो लोग पूरी निष्ठा के साथ और प्रेम के साथ अपने कामों को करने पाएँ पिता। जितने भी लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं पिता, जितने भी परिवार इस बीमारी की चपेट में आए हैं पिता, विनती करते हैं पिता उन सभी लोगों के मनों को आप स्थिर करें पिता, उन सभी लोगों को आप पिता स्ट्रांग बनाएं पिता ताकि वो लोग आप प्रभु में बने रहें, विश्वास में दृढ़ रहें पिता। हाँ पिता, हम क्या मांगें पिता, आप मांगने से पहले सब देते हैं पिता, फिर भी हाँ पिता हम विनती करते हैं पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप जल्द से जल्द दें पिता। हाँ पिता, इस थर्ड वेव से हमें बचाए रखें पिता, आगे आने वाले हर एक मुसीबतों से आप हमें बचाए रखें पिता। इस छोटी सी विनती को सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, इसे सुनना त्यास स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हम सब इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सहाय।